हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाय टैरो। आज की पिकअप कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी शादी कब होने वाली है, ताकि आपके जो भी रिलेटिव्स आपका दिमाग खराब करते हैं उनको वंस एंड फॉर ऑल आप एक आंसर दे सको और उनको बोलो चलते रहने के लिए। ऑलराइट, सो फर्स्ट ग्रुप के लिए है ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स, दूसरे ग्रुप के लिए है ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स और तीसरे ग्रुप के लिए है ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करो, जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला कार्ड चूज करो। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं, सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय ग्रुप वन, अगर आप लोग ने ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। एंड ऑब्वियसली इतने से टॉपिक में इतना तो मैं खींच नहीं सकती, सो ये भी देख लेते हैं कि आपकी शादी किससे होगी, आप उस इंसान से कब मिलोगे एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्पिरिट। हु विल ग्रुप वन मैरी, हु विल ग्रुप वन मैरी स्पिरिट, क्या क्या निकल के आ गया भाई। ओके, फोर ऑफ कप्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप वन, ये तो यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया है कि एक तो हार्ट ब्रेक आप लोगों का बहुत जबरदस्त हो रखा है, किसी ने आपको रिजेक्ट किया, किसी ने आपके प्यार को ठुकराया। हो सकता है वो इंसान कोई कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो या फिर जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस रहा हो, या ये आपके साइंस हो। ग्रुप वन मैरी स्पिरिट, दिस इज नाइस। तो जिससे भी आपकी शादी होने वाली है वो आपको आपकी लाइफ में आते ही इमीडिएटली ये सारी पास्ट की हर्ट और सैडनेस को हटाने वाला है ना। आई ऑलरेडी लाइक देम फॉर दैट। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप दोबारा से खुश रहने लगे हैं, वो जो एक गम है अभी आपकी लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि आप हर टाइम बैठ कर बस रोते ही रहते हो, बट ऑफकोर्स इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आप हमेशा थोड़ा सा दुखी रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज से आपको वो पुरानी बातें याद आ जाती हैं। और हो सकता है कई बार आप बहुत एफर्ट लगाते हो खुश रहने का, सबके साथ और अच्छे से इंटरेक्ट करने का, लेकिन नहीं हो पाता है आपसे। बट गुड न्यूज ये है कि ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं, आपके हस्बैंड या वाइफ, वो जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे ऑलमोस्ट इमीडिएटली आप इस एनर्जी से बाहर निकल करके आ जाओगे। Who will group one marry spirit? Queen of Swords. तो इनकी पर्सनैलिटी बहुत ही बोल्ड होगी। अगर ये लड़का है तो भी, और अगर ये लड़की है तो भी, इनके मैस्कुलिन और फेमिनिन एस्पेक्ट्स दोनों ही बहुत ही वेल बैलेंस्ड होंगे। ये कैसा इंसान होगा जो कि हमेशा सिर्फ वही बोलेगा जो वो सोच रहे होंगे या जो उनके दिल में चल रहा होगा। फालतू में चिकनी चुपड़ी बातें ये किसी से भी नहीं करते हैं, सीधी साफ बात करने में यकीन रखते हैं। अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है, वर्क प्लेस पर भी ये बहुत अच्छे लीडरशिप पोजीशन पर हैं, और अगर जॉब नहीं करते हैं खुद का कोई काम करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छा चलता है इनका। इनकी पर्सनैलिटी में एक कॉन्ट्रास्ट है इनकी अपियरेंस से, या अगर कोई इनके बारे में कुछ सुनता है या बेसिकली दूर से ऑब्जर्व करने से ऐसा लग सकता है कि इनके अंदर थोड़े ईगो इश्यूज हैं या थोड़े एटीट्यूड प्रॉब्लम है। बट इट्स ओनली बिकॉज इनका फेस एट ऑल टाइम्स बहुत सीरियस रहता है। इनके फेस पर, जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका एक बड़ा हंसमुख सा चेहरा होता है, हमेशा एक स्माइल रहती है फेस पे, आपके स्पाउस के साथ वो केस नहीं है। आपके स्पाउस का एक बहुत ही ऐसा मॉडल टाइप सीरियस फेस हर वक्त रहता है, जिस वजह से लोगों को ये गलत इंप्रेशन अक्सर लगता है आपके स्पाउस के बारे में कि वो बड़े हाई हेडेड टाइप के हैं, बड़े नकचढ़े किस्म के हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं ये एनर्जी भी पिक कर रही हूँ कि जिस तरीके से आपने पास्ट में एक बार आपका दिल टूटा है, वैसे ही वो सेम कहानी आपके स्पाउस के साथ भी हुई है। आपके स्पाउस भी एक दो बार अपना दिल तोड़वा चुके हैं किसी ना किसी से, और इसीलिए प्रॉब्ली जब आप लोग एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करेंगे तो आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग सिमिलर चीजों से गुजरे हैं, तो एक दूसरे को बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे उस वजह से। अगर आपके अंदर करेज की कमी है, अगर आपके अंदर इस चीज की कमी है कि आप खुल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख नहीं पाते, आप हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, तो वो एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें आपके स्पाउस आपकी जबरदस्त तरीके से मदद करेंगे, क्योंकि उनको इस एरिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके जो दिल में आता है, जो दिमाग में आता है, जैसे पहले ही मैंने बोला कि वो तुरंत बोल देते हैं, तो कई सारी चीजें हैं जो इनसे आपको सीखने को मिलेगी। इनफैक्ट आई फील लाइक ये जो अपने
जो हो गया सो हो गया, अब इससे बाहर आओ वाला जो एक फेज है वो भी आप इन्हीं से सीखने वाले हैं। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि आपकी इस इंसान से मुलाकात कैसे होगी। स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप वन मीट द स्पाउस? हाउ विल ग्रुप वन मीट द स्पाउस? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी मुलाकात इनसे तब होगी जब आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा होगा और आप सिंगल होंगे। सिंगल एज इन टोटली सिंगल, दूर दूर तक सिंगल, किसी के साथ कोई सीन है ही नहीं वाला सिंगल। मैं तो जन्म से सिंगल हूँ वाला सिंगल, ठीक है। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। हो सकता है वर्क रिलेटेड हो क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, बट नेसेसरी नहीं है। बट हाँ, ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियर है कि आपका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, काफ़ी फ्लरिश कर रहा होगा जब इनकी आपकी लाइफ में एंट्री होगी। व्हाट एल्स स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप वन मीट द स्पाउस? नाइट ऑफ कप्स। आपकी तरफ से कोई एक्शन कुछ नहीं आता हुआ नजर आ रहा है, आपके स्पाउस ही आपको अप्रोच करेंगे यहाँ पर, जैसा कि दिख रहा है। आपके स्पाउस हो सकता है बाय द वे आपसे एज में थोड़े कम हो, ऑल्सो ये अपनी उम्र से कम दिखा करेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सो ये आपको अप्रोच करेंगे, इनको आपके ऊपर क्रश होगा, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर धीरे धीरे, ये बहुत ही फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है, धीरे धीरे ये इंसान आपको अप्रोच करेंगे और पहले तो हिंट्स देंगे कि आपको लाइक करते हैं और फिर प्रॉपरली कन्फेस करेंगे कि ये आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। अब जान लेते हैं कि आपकी आपके स्पाउस से मुलाकात कब होगी। स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप वन मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? ओह, द एम्परर, वाओ। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप वन मीट देयर स्पाउस? टाइम एंड प्लेस। काफी कुछ, ओह माय गॉड, आई जस्ट रियलाइज द एम्परर एंड द एम्प्रेस, वाओ। सो ग्रुप वन, आप और आपके स्पाउस बहुत बढ़िया मैच होने वाले हैं राइट ऑफ द बैट। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं तो ये एक रियूनियन ऑफ सॉर्ट्स भी हो सकता है। फिलहाल मैं यहां पर एज सच ये एनर्जी ऑनेस्टली नहीं पिक कर रही हूँ कि आप अपने स्पाउस को ऑलरेडी जानते हैं या नहीं। आप इसे बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है आप एक हैप्पी रिलेशनशिप में और उसी इंसान से आपकी शादी हो, बट अभी मुझे इतने में तो कोई पास्ट की एनर्जी वापस आती हुई नहीं नजर आ रही है, टू बी ऑनेस्ट। आपके स्पाउस के आपकी लाइफ में आने का फिलहाल जो टाइम दिख रहा है वो है 7 से 9 महीने, बट ये जनरल रीडिंग है, मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, तो थोड़ा अपना डिस्क्रेशन यूज करिए इस टाइमिंग वाले मैटर में। ऑब्वियसली अगर आप सिर्फ 17-18 साल के हैं तो 7 से 9 महीने में नहीं होने वाली आपकी शादी, नो दोस थिंग्स ऑफकोर्स। यहाँ पर ये भी नजर आ रहा है कि जब ये स्पाउस आपका आपकी लाइफ में आएगा तो इनिशियली आप थोड़ा डिफेंसिव होंगे, आप एकदम से इनके साथ घुलना मिलना प्रेफर नहीं करेंगे, और उसका रीजन ये है कि एक बार ऑलरेडी आप धोखा खा चुके हैं। बट ग्रेजुअली ये इंसान आपकी वॉल्स ब्रेक करेंगे और फिर स्लोली आप लोगों के बीच में इंटरेक्शन और फॉन्डनेस बढ़ेगी। ओके, अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, क्या आपकी शादी होगी कब। स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप वन गेट मैरिड? भाई काफी टेंशन में आप लोग चल रहे हो हाँ शादी को लेकर के। When will group 1 get married, spirit? When will group 1 get married? We have the Ace of Cups. Beautiful. Alright, what else, spirit? When will group 1 get married? Wow, King of Cups. When will group 1 get married, spirit? And 7 of Pentacles. This is lovely. पहली चीज तो बहुत स्ट्रांग चांसेस यहाँ पर हैं कि आपकी लव मैरिज होगी, ना कि अरेंज्ड मैरिज। और डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग्स भी आपके लिए ग्रो करेंगी, जैसे कि नाइट टू द किंग ऑफ कप्स का प्रोग्रेशन यहाँ पर रिवील कर रहा है। थोड़ा पेशेंस की जरूरत है अभी, खास तौर पर अगर आप या आपके फैमिली वाले थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहे हो शादी एंड ऑल को लेकर के। फिलहाल आप में से कुछ लोगों के लिए तो 7 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी होती हुई दिख रही है, बट मेजॉरिटी लोगों के लिए 1 साल का और आपको वेट करना होगा, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। या तो 1 साल के ही अंदर हो जाएगी या फिर 12 महीनों का पीरियड खत्म होते ही आपका शादी वाला फेज स्टार्ट हो जाएगा और उसके लाइक मैक्सिमम 1 या 2 महीने में आपकी शादी हो जाएगी।
ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई, जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए। पर्सनल रीडिंग लेने के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और मेरे पिन कमेंट में है। आपसे अगली बार मिलती हूँ। ओह ऑल्सो, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो वहां भी फॉलो कर दो यार, वहां पर भी डेली प्रकार रीडिंग्स और रील्स वगैरह आते रहते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय। हाई ग्रुप टू, अगर आप लोग ने ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी शादी कब होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। सिर्फ वही नहीं पूछ रहे बाय द वे हम लोग आज। सो लेट्स स्टार्ट स्पिरिट, हु विल ग्रुप टू मैरी। ओह वाओ, द हायरोफेंट। ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट, हु विल ग्रुप टू मैरी। Knight of Wands, who will group to marry spirit? Strength and Wheel of Fortune. All right, काफी सारे messages. बहुत strong Leo हो सकता है इस इंसान की chart में, otherwise Aries और Sag की energy भी बहुत strongly निकल करके आई है। ये एक मॉडर्न लिविंग बट ट्रेडिशनल थिंकिंग वाला इंसान होने वाला है। ये आज के जमाने के हैं, काफी इनकी लिबरल वैल्यूज हैं, लेकिन ये अपने रूट से अभी भी जुड़े हुए हैं। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, चाहे जितने भी बड़े शहर में रहते हों या बाहर बाहर भी पढ़ने गए हों, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अपने सारे कस्टम्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज, रीति रिवाज, सब कुछ इनको बहुत बहुत अच्छे से आता है। फैमिली ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, फैमिली का महत्व इनके लिए बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यारी दोस्ती पार्टी वार्टी में ही लगे रहते हों। आपसे एज में ये कम हो सकते हैं, लेकिन दिखने में आपसे बड़े लग सकते हैं। तो एक मैच्योरिटी इनके फेस पर है, बट एनर्जी वाइज एंड एज वाइज ऑफ कोर्स ये आपसे कम है। एनर्जी वाइज इन द सेंस कि इनके अंदर एंथुजियाज्म बहुत है। ये हाइपर एक्टिव जो लोग होते हैं वो हैं। इनसे एक जगह पर बैठते नहीं बनता है। इनको हर टाइम बाहर जाना है तो जाना है। जैसे ही ऑफिस खत्म होता है घड़ी देखते हैं, बस उसके बाद फिर इनसे बैठते नहीं बनता घर के अंदर। उस तरीके की एनर्जीज जब आप इनसे कनेक्ट करेंगे या जब आप इनके घर वालों से इनके बचपन वगैरह के बारे में जानेंगे तो वो लोग भी आपको ये सेम चीज बताएंगे कि हमेशा से बहुत ही हाइपर एक्टिव बच्चे रहे थे। थोड़े से एंगर इश्यूज इस इंसान को हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं, बिकॉज उस चीज को कट करने के लिए यहाँ पर हायरोफेंट भी मौजूद है। तो ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट टेम्पर्ड है, लेकिन हाँ, आपसे मान लो आपको 5/10 गुस्सा आता है तो इनको 8/10 गुस्सा आता है। तो गुस्से के मामले में थोड़ा आपके ऊपर भारी ये पड़ सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके लिए बहुत ही लकी साबित होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी आपकी लाइफ बड़ी खराब चल रही है, बट डेफिनेटली इस इंसान के आपके लाइफ में आने के बाद आप नोटिस करोगे कि कैसे आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो गई हैं, बहुत फेवरेबल हो गई हैं, आपकी लाइफ में और अबंडेंस आया है और आपका लक बहुत स्ट्रांग हुआ है। चाहे वो करियर हो, चाहे वो आपकी और कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, या और कोई भी आपकी लाइफ में अगर चीजें अभी अटक रही हो, तो इस इंसान के आने के बाद से सारा काम आपका बड़ा स्मूथली हुआ करेगा। ये इंसान खुद भी बहुत लकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये मेहनत नहीं करते या मेहनत से भागते हैं। इट्स जस्ट दैट बाकी लोगों के कंपैरिजन में इनको चीजें रिलेटिवली आसानी से मिल जाती हैं, इनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि इस इंसान से आपकी मुलाकात होगी कैसे। All right, spirit, how will group two meet their future spouse? Seven of Pentacles. All right, spirit, how will group two meet their future spouse? The Hanged Man. Interesting. I need one more card. How will group two meet their future spouse, spirit? Ten of Cups. All right. So, group two. आपका स्पाउस आपकी लाइफ में एक ऐसे टाइम पर आएगा जब आप अपने किए हुए किसी एफर्ट के रिवॉर्ड्स ले रहे होंगे। आपने मान लो कोई आपका करियर प्रोजेक्ट है या कुछ है जिसके ऊपर आपने बहुत खासा मेहनत की है, फाइनली आपको उसके फल मिलना, उसके रिटर्न्स मिलना स्टार्ट हो चुके होंगे। तो करियर वाइज आप एक काफी कंटेंट स्टेज पर होंगे। आप अपनी इतनी ज्यादा कोई मेहनत फिर आपकी नहीं बची होगी, आप सिर्फ बैठ करके एंजॉय कर रहे होंगे अपनी मेहनत के फल। कोई भी एक्शन सिमिलर टू पाइल वन आप भी नहीं लेते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि हैंगमैन इंडिकेट कर रहा है। ये इंसान आपकी लाइफ में आपके घर वालों या दोस्तों के जरिए आता हुआ नजर आ रहा है।
ऐसा भी हो सकता है कि इससे आपकी मुलाकात किसी ऐसे फंक्शन या सेलिब्रेशन में हो जो कि आपके किसी दोस्त या आपके किसी रिलेटिव ने थ्रो किया हो. वैसे किसी इवेंट में इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है, या फिर आपके किसी दूर दराज के रिलेटिव से या आपके किसी फ्रेंड से आपके स्पाउस का कोई कनेक्शन, कोई रिश्ता हो सकता है. ऑलराइट, अब जान लेते हैं कि ये आपकी लाइफ में आएंगे कब. सो स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप टू मीट देयर फ्यूचर स्पाउस. वी हैव द फूल. तो पहली चीज मैं बता दूं, द फूल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली जो इंडिकेट कर रही है वो ये है कि ये कोई नया इंसान होगा, आप अभी तक इससे नहीं मिले हैं. बट बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये कोई पुराना इंसान हो सकता है, बट वर्जन 2.0. बेसिकली ये अब बिल्कुल उस तरीके के नहीं है जैसा आप इनसे आखिरी बार मिले थे या जैसे छवि तब की इनकी बनी हुई हो आपके जहन में. स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप टू मीट देयर फ्यूचर स्पाउस. किंग ऑफ वंड्स, टाइम एंड प्लीज स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप टू मीट देयर फ्यूचर स्पाउस. टू ऑफ कप्स, तो ओके, आई एम गेटिंग मिक्स्ड मैसेजेस, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. आप लोगों की एज के ऊपर डिपेंड करेगा ये चीज. आप इसे कुछ लोगों के लिए तो एज सून एज 2 महीने, ठीक है, के अंदर आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है. बट कुछ लोगों के लिए, खास तौर पर वो लोग जो अभी अभी पढ़ाई से निकले हैं, करियर की शुरुआत करें, ऑल दोस थिंग्स, अभी 2 साल लग सकते हैं आपके स्पाउस के आपकी लाइफ में आने में. इसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले आप कभी किसी को डेट वेट ही नहीं करोगे, बट हाँ, जिसके साथ आपको हमेशा हमेशा के लिए होना है उनके आने में अभी थोड़ा टाइम है, विच मेक सेंस क्योंकि पहला ही कार्ड आप लोगों के लिए जो निकला था वो पेशेंस का था. ऑलराइट, एंड अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है आज का, कि आपकी शादी होगी कब. स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप टू गेट मैरिड. वी हैव टेम्परेंस, व्हेन विल ग्रुप टू गेट मैरिड. स्पिरिट, Ace of Cups, when will group 2 get married. Spirit, and Page of Wands. Okay, Page to the King. So group 2, यहां पर family का involvement जैसे कि मैंने बताया था कि होगा, but यहाँ पर दिख रहा है कि वो इन्वॉल्वमेंट बस इनिशियल स्टेजेस तक के लिए रहेगा. उसके बाद ये कनेक्शन टोटली आपके ऊपर और आपके स्पाउस के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये आगे किस तरीके से प्रोग्रेस करता है. तो ये यहाँ पर लव मैरिज के ज्यादा चांसेस नजर आ रहे हैं. आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपके ट्विन फ्लेम होंगे जिनसे आप यूनियन में आकर के शादी करोगे. सोलमेट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये वही इंसान है जिसके साथ आपका होना बधा हुआ है, इसीलिए आपकी लाइफ में आ रहे हैं. अब टाइमिंग की अगर बात करें तो आप में से वो लोग जिनको मैंने बोला था कि 2 महीने के अंदर ही आपकी लाइफ में आ सकते हैं, उनकी तो शादी 1 साल के अंदर होते हुए दिख रही है. बट वो लोग जिनके लिए इस इंसान के आने में अभी टाइम है और 2 साल के अंदर वो आपकी लाइफ में आएंगे, तो जब वो आपकी लाइफ में आएंगे 2 साल के अंदर, उसके 1 साल के बाद आपकी उनसे शादी होगी. तो यहाँ पर वैसे देखें तो बहुत ही क्विक प्रोग्रेशन है, विच मेक सेंस क्योंकि वॉन्ड्स इन एनी केस एक फास्ट मूविंग एनर्जी है. तो आप लोगों का कोर्टशिप पीरियड बहुत ज्यादा लंबा नहीं होगा. एक दूसरे से मिलने के देखा जाए तो बस कुछ महीने बाद ही आप लोग ये डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, यही राइट पर्सन है मेरे लिए और मुझे इसी से शादी करनी है. किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी शो कर रहा है कि ये जो पर्सन है आपके, ये बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं इस कनेक्शन में रिस्क लेने से और लीड लेने से. तो शादी वादी की बात करना, घर वालों को इंट्रोड्यूस कराना या घर वालों को बताना कि वो कनेक्शन में है, ये सारी चीजें आपसे पहले वो करेंगे. फिर उनसे आपको स्ट्रेंथ मिलेगी कि यार चलो फिर मैं भी अपने घर वालों को बता देती हूँ या बता देता हूँ, और फिर वो चीज आप करोगे. बट लीड इस पूरे मामले में, शादी के मामले में लीड आपके स्पाउस लेते हुए दिख रहे हैं. I don't remember, मैंने साइंस की बात की थी या नहीं. हाँ, शायद की थी कि एरीज लियो सैज बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रहे हैं, बट जरूरी नहीं है वो ज़ोडियाक हो. ओके, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी. मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक का बटन दबाइए, बेल आइकन को हिट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वहां पर भी बहुत फ्रीक्वेंटली मैं रीडिंग्स पोस्ट करती हूँ और रील्स वगैरह डालती रहती हूँ. और पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. आपसे अगली बार मिलती हूँ. बाय.
हाई ग्रुप थ्री, अगर आप लोग ने ये वाला किंग ऑफ पेंटिकल्स चूज किया था तो चलिए जान लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी. बट उससे पहले हम पता करेंगे कि आपकी शादी होगी किससे और दो तीन और चीजें. ऑलराइट, सो स्पिरिट, हु विल ग्रुप थ्री मैरी? हु विल ग्रुप थ्री मैरी स्पिरिट? बातों में बड़े उस्ताद होने वाले हैं आपके स्पाउस. जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो उनका ज़ोडियाक हो. हु विल ग्रुप थ्री मैरी स्पिरिट? थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ये वहां नहीं रहते हैं जहां आप रहते हो. यप, या तो ये किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं इस वक्त या फिर किसी दूसरी कंट्री में रह रहे हैं. तो शादी के बाद या तो आपको रिलोकेट करना पड़ेगा या फिर उनको रिलोकेट करना पड़ेगा. ऑलराइट, व्हाट एल्स स्पिरिट? हु विल ग्रुप थ्री मैरी? ऑल्सो, इस इंसान के साथ आपका जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करेगा. लाइक पहले लेट्स हो मतलब ऑफकोर्स आगे मैं ये देखूंगी, बट जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, पहले आप लोग फ्रेंड्स हो गए, फिर रियलाइज करोगे कि ओ शिट अभी तो फीलिंग्स इन्वॉल्व हो गई हैं, फिर फीलिंग्स कन्फेस करना. ऐसा धीरे धीरे करके ये प्रोग्रेस करेगा ये कनेक्शन. एरीज, लियो, सैज की एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई है. हु विल ग्रुप थ्री मैरी स्पिरिट? द हर्मिट. ऑलराइट, व्हाट एल्स? हु विल ग्रुप थ्री मैरी? And the Hierophant. All right. So group three, ये person आपसे बड़े होंगे एज में most probably, और दिखने में भी ये आपसे ज्यादा मच्योर होने वाले हैं. दुनिया भर का ज्ञान है इनको अपनी फील्ड के अलावा भी, और इंटेलेक्चुअल बातें करना इन्हें बहुत पसंद है. तो अगर आप लोग भी उस तरीके के हैं सो वेल एंड गुड, अदरवाइज क्योंकि ये कम्युनिकेशन में अच्छे हैं इसीलिए अपने पसंद के टॉपिक से हटकर भी ये आपसे बात कर सकते हैं. कम्युनिकेशन इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो फीलिंग्स तो रखते हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, या फिर उनको कॉन्वर्जेशन होल्ड करना नहीं आता है, सिर्फ आप ही हमेशा बोलते रहते हो और बताओ और बताओ और बताओ. बट आपके स्पाउस के साथ ऐसा नहीं है. बहुत बातून है, बातों के बहुत शौकीन है, कभी भी ये थकेंगे नहीं बातें करने में. बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जिस वक्त ये आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त ये कम्प्लीटली सिंगल होंगे. वन, टू, शायद आज तक इन द सेंस जब ये आपसे मिलेंगे उससे पहले तक ये कभी भी किसी सीरियस या प्रॉपर ऑफिशियल रिलेशनशिप में नहीं रहे होंगे. कभी भी किसी को इन्होंने प्रॉपरली ऑफिशियली डेट नहीं किया होगा, अपने घर वालों से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया होगा. ये उस तरीके के है ही नहीं. ये अपनी लाइफ में, अपने बबल में, अपने सर्कल में मस्त रहने वाले, अपने गोल्स करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रखने वाले इंडिविजुअल यहाँ पर दिख रहे हैं. काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी हैं, भले ही विदेश में रहते हों, विदेश में पले बड़े हों, बट जो भी इनका ओरिजिन है उससे ये बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं. अपने सारे कस्टम्स, कल्चर्स, ट्रेडिशन, प्रथाएं, पूजाएं, जो कुछ भी है, इनके एपिक्स हो गए, इनकी रिलीजियस बुक्स, उसकी कहानियां, सब कुछ इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है. अपनी फैमिली वालों के साथ भी इनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी है. जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अपने परिवार से नहीं बनती है, आपके स्पाउस के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत अच्छे से उनकी पटती है अपने घर वालों से. ऐसा भी हो सकता है कि अपने घर में मतलब बच्चों में सबसे बड़े यही हों. वर्गो की एनर्जी भी स्ट्रांगली निकल करके आ रही है. बट जो भी साइंस मैंने मेंशन किए हैं अभी तक वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ उनका ज़ोडियाक को, उनके चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं. ऑल राइट, अब जान लेते हैं कि इस इंसान से आपकी मुलाकात कैसे होगी. स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप थ्री मीट देयर स्पाउस? हाउ विल ग्रुप थ्री मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? स्पिरिट, क्वीन ऑफ वंड्स, व्हाट एल्स? स्पिरिट, हाउ विल ग्रुप थ्री मीट देयर फ्यूचर स्पाउस? And Knight of Swords. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. एक इंस्टेंट अट्रैक्शन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ होगा और दोनों ही लोग यहां पर ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हैं.
सो या तो आप वहां जाओगे जहां ये रहते हैं, या ये वहां पर आएंगे जहां आप रहते हो, और ट्रैवलिंग के जरिए आप लोगों की एक दूसरे से मुलाकात होगी। और अच्छी बात यह है क्योंकि दोनों ही एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स निकल करके आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि पहला मूव वो चलेंगे या पहली मूव आपकी होगी, पहली मूव उनकी होगी, किसी की भी हो सकती है, बट ज्यादा स्ट्रांग चांसेस हैं कि पहला मूव आपकी तरफ से होगा ग्रुप थ्री। लेकिन अच्छी बात यह कि वो उस चीज को मैच कर जाएंगे। इनफैक्ट जहां आप जरा सा भी इंटरेस्ट अपनी तरफ से शो करोगे, उसके बाद मतलब आपको बस अपनी तरफ से एक मूव करके बेसिकली फिर भूल जाना है, उसके बाद का सारा मामला ये यहाँ पर अपने कंधों पर लेते हुए और कनेक्शन को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं नाइट ऑफ सोल्स के साथ में। बट जो सबसे अच्छी बात है इन दो कार्ड्स की वो ये है कि दोनों ही लोग शुरू से बहुत एविडेंट कर देंगे, बिल्कुल ही जता देंगे कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं या करती हूं। कोई माइंड गेम्स या हिंट्स डालना या फिर फीलिंग्स रखना लेकिन बोलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप दोनों की ही पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग है, इसीलिए जैसा आप फील करते हैं वैसा आप बोल देते हैं या वो चीज आप एक्सप्रेस कर देते हैं, और वही केस आपके स्पाउस के मामले के में भी है। आप लोगों की एज में डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। मैंने पहले बोला था कि ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, बट उसका उल्टा भी हो सकता है, एंड बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ हो सकता है कि लाइक एक से लेकर के 3 साल तक का भी एज गैप आप लोग में हो सकता है। ओके, अब जान लेते हैं कि इनसे आपकी मुलाकात होगी कब। सो स्पिरिट, व्हेन विल ग्रुप 3 मीट देयर फ्यूचर स्पाउस। एक दूसरा मैसेज, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे उस वक्त आप इनसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, लेकिन उस चीज से डिस्करेज मत होना, या आपके जो घर वाले या रिलेटिव्स हैं उनको बेसिकली भड़काने मत देना अपने आप को कि अरे तुम इससे ज्यादा कमाते हो या कमाती हो, बिकॉज इनका प्रोग्रेशन होता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ग्रो करेंगे अपनी लाइफ में। सो यहां पर है अब पेज ऑफ वंड्स। व्हेन विल ग्रुप 3 मीट द फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट टाइमिंग प्लीज। दी एम्परर, सो जैसे कि मैंने बोला था कि बहुत ग्रो करेंगे अपने करियर में। व्हेन विल ग्रुप 3 मीट द फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट। 7 of Pentacles, सभी को, तीनों पाइल्स को स्पिरिट ने बोला है कि थोड़ा ठंड रखो। एनीवे, आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 3 ये आपके वर्क प्लेस पर आपके कोई सीनियर हो सकते हैं, आपके रिपोर्टिंग मैनेजर या उसके भी ऊपर का कोई, उस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है, बट ये सब हर किसी के लिए नहीं है। मोस्टली जैसे कि मैंने बताया था ट्रैवलिंग, हाँ ये हो सकता है कि ट्रैवलिंग बजाय एक लेजर ट्रिप होने के काम के सिलसिले में की गई कोई ट्रिप हो। यहाँ पे जो टाइमिंग फिलहाल निकल करके आ रहा है आप सभी के लिए वो है 7 महीने, बट क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है। अगर आप बहुत छोटे हैं अभी लाइक रिलेटिवली शादी एंड ऑल के मामले में, तो ऑफकोर्स अपना डिस्क्रेशन यूज करिए, बट अदरवाइज 7 महीने का टाइम यहाँ पर नजर आ रहा है इनकी आपकी लाइफ में एंट्री होने के लिए। ओके, अब जान लेते हैं कि आपकी शादी कब होगी। व्हेन विल ग्रुप 3 गेट मैरिड स्पिरिट। When will group 3 get married spirit? Knight of Pentacles. When will group 3 get married? Ten of Wands. When will group 3 get married? Queen of Cups. आपके स्पाउस बहुत इंटिमिडेटेड होंगे आपसे, एंड बहुत ज्यादा प्रेशर वो अपने ऊपर फील कर सकते हैं शादी को लेकर के। ठीक है, हो सकता है जिस वक्त आप लोग मिले उस वक्त उन्होंने ये तो बड़ा एविडेंट कर दिया कि वो आपको लाइक करते हैं और वो आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं एवरीथिंग, लेकिन एक्चुअल प्रपोजल उनकी तरफ से आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, वो कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर ये प्रेशर फील करेंगे कि अगर मैंने इसको प्रपोज नहीं किया या शादी तक बात नहीं ले जाए तो इसको कोई और ले जाएगा, वो डर इनके जहन में होगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कई सारे लोगों की तो 10 महीने के अंदर अंदर शादी होती हुई नजर आ रही है, बट
बिकॉज आप में से कुछ लोगों की अभी तक अपने स्पाउस से मुलाकात नहीं हुई है और 7 महीनों के अंदर होने वाली है, तो बेसिकली जब आप उनसे मिलेंगे उस वक्त से 10 महीने बाद आपकी शादी आपके स्पाउस से हो जाएगी. तो थोड़ा यहाँ पर डिले है, बट इट्स ओनली बिकॉज उनको नहीं लगता कि वो अभी आपके लेवल तक पहुंच पाए हैं. और ये चीज यहाँ पर भी निकल के आई थी क्वीन एंड नाइट, और यहाँ पर दोबारा वही चीज हुई है क्वीन और नाइट. और इसीलिए मैं बोल रही हूँ, और ये प्रेशर खासतौर पर करियर से रिलेटेड भी हो सकता है कि उनका मन है एम्परर की स्टेज तक पहुंचने का, बट प्रेशर आ रहा है आपके घर से या उनके घर से कि नई नई शादी कर लो कर लो, तो वो चीज़ भी थोड़ी यहाँ पर दिख रही है. बट येस, जो कोई भी आपको इनकी करियर से रिलेटेड डिस्करेज करने की कोशिश करे, मत आना उनकी बातों में, बिकॉज बहुत अच्छा इस इंसान का यहाँ पर करियर में फ्यूचर दिख रहा है. ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं. आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी. जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए. और क्या बोलना था मुझे, हाँ, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर करिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वहां पर भी काफी कार्ड्स आते हैं और रील्स वगैरह आती रहती हैं. पर्सनल रीडिंग लेने की सारी डिटेल्स पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं. आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय.